खबरें के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से ही सामने आ रही है। दरअसल कई शहरों की पेयजल व्यवस्था अब बेहतर की जाएगी। पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए धनराशि भी मिल चुकी है। जल संकट से निपटने के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। दर पेयजल निगम ने यह प्रस्ताव तैयार किया। विभाग के अधिकारियों की भी अब इस पर जल्द की बैठक होगी और कहा जा रहा है कि पेयजल व्यवस्था को जल्द ही सुधारा जाएगा, तो कई शहरों की पेयजल व्यवस्था बेहतर होगी। दरअसल पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए धनराशि भी दी गई है। 1200 करोड़ रुपए की धनराशि है, जिससे कि जल संकट से निपटा जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, कई शहरों की पेयजल व्यवस्था को बेहतर करने के लिए धनराशि जारी की गई है। देखिए, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पेयजल की समस्या सामने आती है, लोग परेशान होते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार के स्तर से भी प्रयास किए जा रहे हैं और जहां पर जिन योजनाओं में केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है वो भी लिया जा रहा है, और जहां पर फंड की व्यवस्था कई चुनौती बनती है तो उसमें वर्ल्ड बैंक का सहयोग लिया जाता है। वर्ल्ड बैंक ने कुछ समय पहले भी जो इस व्यवस्था के लिए हरिद्वार जनपद, देहरादून जनपद और हल्द्वानी में जो पेरी अर्बन क्षेत्र है इनकी पेयजल की जो योजना है इनके लिए धनराशि का प्रावधान किया था और इन सभी स्थानों पर समय से कार्य पूरा कर लिया गया। और जब समय से कार्य पूरा किया गया तो इस आधार पर जो वर्ल्ड बैंक है उसने देश भर में उत्तराखंड को ग्रेड ए से नवाजा, और जब ग्रेड ए दिया गया तो इसके साथ जो ग्रेड मिलने के बाद वर्ल्ड बैंक ने जो पेयजल की किल्लत है इससे संबंधित जो समस्याएं उनके समाधान के लिए फिर से बजट के प्रावधान किए, और इसके लिए जो विभाग है विभाग ने पूरा प्रस्ताव भी तैयार कर लिया और इसके लिए सैद्धांतिक स्वीकृति भी हो गई है, और आने वाले समय में जिन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है उसके समाधान के लिए वर्ल्ड बैंक से ये धनराशि जारी की जाएगी और जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस के आधार पर ये धनराशि दी जाएगी। और इसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में चूंकि जिस तरह से पेयजल की डिमांड बढ़ रही है, नए नए जो कस्बे और शहर जो विकसित हो रहे हैं उसके लिहाज से ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित ये सहयोग होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि जो ये वर्ल्ड बैंक से धनराशि मिलेगी इसका फायदा उत्तराखंड के जनमानस को निश्चित तौर पर मिलने वाला है। बिल्कुल, उम्मीद भी यही की जा सकती है कि अब इससे कि पेयजल की जो किल्लत है जिससे कि लोग जूझ रहे हैं, रहवासी जूझ रहे हैं, वो जल्द ही समाप्त होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट।